आटे की कीमतें जूं की तूं, महंगे कीमतों पर गरीब शहरी लेने पर मजबूर हैं। मौजूदा सरकार की जानिब से आवाम को कोई ख़ास रिलीफ ताहल नहीं दिया जा सका। शहरी खाने पीने खास तौर आटे की दुगनी कीमतें देकर एक वक्त का रोटी बड़ी मुश्किल से खाने पर मजबूर हैं, जबकि महंगाई का कोई मुस्तकिल हल ताहल मौजूदा सरकार की जानिब से नहीं निकाला जा सका है। मजदूर हैं, गरीब हारी मिस्किन मानू तो एक वेले खाने के लिए भी परेशान है, एक वेलो खाण पीने के लिए वो महाल है, खाई न तो सके। खुदारा अस इन गवर्नमेंट का इन वजीर आला सिंध का चुका वजीर आजम का इन वसवार अपील था क्यों तो मेहरबानी करे थोड़ो खाने पीने के शयन से थोड़ा कंट्रोल कर। 80 रुपया 140 रुपया टे किलो है, गरीब एक वेले जो मानी भी खाई न तो सके। हाँ ये जो गवर्नमेंट अड़ो क्यामत समझी ना, क्यामत जो गवर्नमेंट है। आगे नवाज शरीफ के दौर में 20 रुपया किलो अटो हो, हाँ अस वेले न वेलो भी खाई ना सकूँ। आगे 400-500 रुपया कमाइंदा नवाज शरीफ के दौर से, 800-900 रुपया कमाइंदा, 200 रुपया भी ना बचन। अड़ो महंगाई आवाम वे काे बराए मेहरबानी। हाँ 300-400 कमाई 1000 रुपया घर जो खर्चो काटा पूरी कह इंसान काे वेले में असि सिंधु सिंधु के असिजी के बोते वो अलह जो ये थोड़े ही सिंध जहाँ अलह काे वाया मददगार है जो आज मददगार ही कोई कोने को सिंध में जो आज एडी महंगाई है। दूसरी जानिब खास तौर मजदूर तबका जो दिहाड़ी बड़ी मुश्किल से कमाते हैं उन्हें खाने के लिए हद से ज़्यादा मुश्किलात का सामना हर रोज़ करना पड़ता है। ज़रूरत इस अमर की है कि जनरल इलेक्शन से और नई हुकूमत की आने से पहले पहले ख़ास तौर पर महंगाई ख़त्म करके मौजूदा सरकार को गरीब तबके को स्पेशल रिलीफ दी जाए। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली ब्रावई, वश टीवी, शदात कोट।